हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ हेमा जोशी। फैंस, गर्मियों का मौसम हो गया है स्टार्ट, ऐसे में हम अपनी स्किन की केयर कैसे करें और हम अपनी स्किन को टैनिंग से कैसे बचाएं, इसलिए मैं आज आपके लिए एक नई वीडियो लेके आई हूँ। चलो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं, जो आपके फेस से ये टैनिंग को रिमूव करेगा और आपके फेस पे एक नया ग्लो लेके आएगा। तो चलो रेमेडी शुरू। इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है कच्चा दूध। कच्चा दूध में लैक्टो एसिड काफ़ी मात्रा में होता है, जो हमारे फेस के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। मसूर दाल, दही 1 टेबल स्पून और बेसन और 1/2 लेमन। तो रेमेडी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है बेसन और इसमें मैं ऐड करूँगी रॉ मिल्क 1 टेबल स्पून के करीब। अब मैं इसमें ऐड करूँगी मसूर दाल करीब 1 टेबल स्पून। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी कर्ड, दही और लास्ट में मैं इसमें ऐड करूँगी नींबू। नींबू में काफ़ी सारा विटामिन सी होता है, जो हमारे फेस से कलर को फेयर करता है और एक नया ग्लो लेके आता है। साथ ही साथ जो हमने इसमें दही यूज करी है, वो दही में काफ़ी मात्रा में लैक्टो एसिड होता है, जो हमारे फेस पे ग्लो लेके आता है, हमारे फेस के ओपन पोर्च को कम करता है दही। जैसे कि हम अपने कभी भी हम काफ़ी सारा मेकअप करते हैं और बाहर जाते हैं, ऐसे में हमारी स्किन डल हो जाती है, तो क्यों ना आप दही से या फिर रॉ मिल्क से अपने फेस को क्लीन कीजिएगा। इससे आपके फेस की सारी गंदगी रिमूव हो जाएगी और आपके फेस पर एक नया ग्लो लेके आएगा। तो अब इन सब चीज़ों को मैं अच्छे से कर लूँगी मिक्स। भाइयों को दूर करेगी, आपके फेस पे एक नया निखार लेके आएगी। साथ ही साथ इसमें हमने जो बेसन किया है, बेसन तो सदियों से हमारे फेस के लिए यूज होता आया है। उपटन में आप इसे यूज करते हैं और बेसन भी हमारे फेस के लिए काफ़ी फायदेमंद है, तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपके फेस से ये टैन को दूर करेगा और आपके फेस पर एक नया ग्लो लेके आएगा। आप वीक में इसे 2 बार ज़रूर यूज कीजिएगा। तो चलो इसे लगाते हैं। जब भी आप कोई फेस पैक लगाएं तो आप अपने फेस को पहले रॉ मिल्क से ज़रूर क्लीन कीजिएगा। अगर आपके पास रॉ मिल्क नहीं है तो आप फ्रिज का ठंडा दूध भी यूज कर सकती हैं, पर कच्चा दूध बहुत फ़ायदेमंद रहता है फेस के लिए। सुना है ना, पुराने ज़माने में रानियां दूध से नहाती थी, तो इसी वजह से नहाती थी, वो फेस को हमारे फेस से सारी गंदगी को दूर करता है। तो फ्रेंड्स, मैंने फेस को कर लिया है क्लीन। कच्चा दूध फेस को साफ़ करने के लिए, फेस को क्लीन करने के लिए बहुत अच्छा घरेलू नुस्खा है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फेस क्लीन करने के बाद हम सनटैन पैक लगाएंगे और इसको 15 मिनट तक फेस पे लगा रहने दें, और जब ये सेमी ड्राई या फुली ड्राई हो जाए तो आप इसे नॉर्मल पानी से वॉश कर लें। तो फ्रेंड्स, ये था टैन हटाने का वीडियो, तो आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर थोड़ा भी बेनिफिट लगा आपको इस वीडियो से, तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो फ्रेंड्स, इसमें मैंने जो नींबू यूज किया है, उसमें काफ़ी मात्रा में विटामिन सी होता है।